أشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين درود بھیجے محمد علیہ سامعین اکرام برادران عزیز اور بزرگان گرامی قدر اس عبادت کے لیے سورہ مبارکہ انبیاء کی 107 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ظاہر بظاہر ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یعنی نبی جو آئے وہ عالم کے نہیں بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور یہ بات یقینی ہے کہ خالق دو عالم نے اپنے حبیب کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اس لیے کہ نبی نے جو بھی پیغام دیا وہ سب کا سب اللہ کی طرف سے تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم نبی کو مانتے ہیں تو اسی لیے چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں اہل بیت کو اگر ہم تسلیم کرتے ہیں تو وہ اسی لیے چونکہ نبی کے اہل بیت ہیں آپ میری طرف متوجہ رہیے نبی کو کہ اہل بیت ہیں اس لیے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اصحاب کو ہم اس لیے تسلیم کرتے ہیں چونکہ وہ نبی کے اصحاب ہیں ازواج کو ہم اس لیے مانتے ہیں چونکہ وہ نبی کی ازواج ہیں نبی کی زوجہ ہیں جب قرآن نے کہہ دیا درود بھیجے محمد یہ سب کا سب سسٹم نبی سے جڑا ہوا ہے اور عقیدت و محبت کی انتہا یہ ہے کہ ہم اللہ کو اللہ اس لیے مانتے ہیں چونکہ وہ نبی کا خالق ہے اس لیے ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں اور نبی نے جو مشن بیان کیا اب دیکھیے نبی نے کہا الصلاۃ معراج المومن نماز مومن کی معراج ہے اور حقیقت ہے کیا بہترین بات کہی ہے نبی نے الصلاۃ معراج المومن نماز مومن کی معراج ہے اور یہ حقیقت ہے آپ دیکھیے ایک نمازی جو مصلی عبادت پر آیا اور آنے کے بعد اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے دیکھیے یہ سب اردو دایاں تشریف فرما ہے یہ لفظ اس اور جو کسے کہا جاتا ہے جو سامنے نہ ہو لفظ اس اسی کو بولیں گے جو سامنے نہیں ہے لفظ جو اسی کو بولیں گے جو سامنے نہیں ہے
ये किससे कह रहा है, यानी एक नमाजी मुसल्ले में खड़ा है। देखिए आज रोजे जुमा शबे रोजे जुमेरात है ना, दुआओं का दिन है ना, शबे जुमा आ रही है, दुआओं की शब है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। तवज्जो रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह की जो आलमीन का परवरदिगार है। अभी अल्लाह सामने नहीं है, गायब में गुफ्तगू हो रही है। और रहमान रहीम जो रहमान भी है रहीम भी है, मालिक यौमिद्दीन जो रोजे कयामत के बर्पा करने का इख्तियार रखता है। अब यहां तक नमाजी खड़ा हुआ है, अल्लाह सामने नहीं है, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी नबी करीम ने क्या प्यारी बात कही है, क्या सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन की मेराज है। अब नमाजी आगे बढ़ा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तो बस तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, सलावात भेज दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये नमाज का कमाल है कि गायब खुदा को हाजिर कर दिया, या का नाम दो या का नस्तईन, हम तो बस तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, न हमें किसी गैर की इबादत करनी है न किसी से मदद दरकार है। अगर हम इबादत करते हैं तो तेरी, मदद चाहते हैं तो तुझसे, बस तेरा करम यह है के तू हमें सीधे रास्ते पर बाकी रख, ये तेरा कर्म है। यानी हमने जो रास्ता इख्तियार कर लिया है, जिस मंजिल तक हम पहुंच गए हैं वो सीधा रास्ता है, बस उसको पे बाकी रहे हम, ये तेरा कर्म है। एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता जिनमें तूने नेमतें तमाम की, सलावात भेज दें पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब ये कैसे पता चले कि नेमतें अल्लाह ने किन पर नाजिल की, किस पर नेमतें नाजिल हुई, ये कैसे मालूम हो? तो अगर जमाने में कुछ बेवकूफ ना होते तो ये बात वाजे ना होती। एक शख्स आया, चूंकि मौला कायनात का ऐलान था ना, मौला ने मौला की दरगाह सामने है और हम सब मौला के खादिम बैठे हुए हैं, जिक्र अहले बैत हो रहा है, ये इबादत है ना, यानी हम सब इबादत में मसरूफ हैं। एक शख्स मौला ने कहा कि मैं हमेशा नमाज अव्वल वक्त पर पढ़ता हूं, और मौला ने ऐलान किया जो चाहो सवाल करो, मैं ऐसे ही जानता हूं जमीन के रास्तों को भी, ऐसे आसमान के रास्तों को भी, जो चाहे सवाल करो, कोई कैद नहीं लगाई मौला ने। बस एक शख्स ने सोचा कि आज इन्होंने ऐलान तो कर दिया, एक ग्रोह तैयार हुआ और उन्होंने सोचा अब ऐलान तो कर दिया, अब देखो सवाल किया जाए ताकि इनकी हकीकत सामने आ जाए, यानी अपनी हकीकत बयान करना चाह रहे हैं और कह रहे मौला को इनकी हकीकत सामने आ जाए। सवाल तैयार हुआ, पूरा गिरोह बैठा और सवाल तैयार हुआ। एक ऐसा सवाल सोचो जिसका जवाब बताने में या तो अली बता ना पाए नाऊज़ु बिल्लाह, या बताएं तो इतना टाइम हो जाए जो अव्वले वक्त निकल जाए। आए दरवाजे मस्जिद पे खड़े हुए, अब कब अली तकबीर को हाथ बुलंद करें और कब हम आवाज दें, देख रहे हैं। अव्वले वक्त आया, मौला का ऐलान मुसल्ले पर है, तकबीर के लिए हाथ बुलंद करना चाहते हैं। एक शख्स आगे बढ़ा मस्जिद के दरवाजे से, या अली एक सवाल है और सवाल का जवाब अभी चाहिए। मौला ने कहा जल्दी बताओ, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ रहा हूं नमाज का वक्त नहीं, जल्दी बताओ क्या सवाल है। क्या मौला ये बताइए, तो जो चाहता हूं मौला ये बताइए कि कौन से ऐसे परिंदे और जानवर हैं जो अंडे देते हैं और कौन से ऐसे जो बच्चे देते हैं। मौला ने कहा अरे ये तो बहुत मामूली सवाल है, जिनके कान परिंदों के अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अल्लाह अकबर, सलावात भेज दें पर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
जिनके कान अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके बाहर होते हैं बच्चे देते हैं। मौला ने एक सेकंड में मसला हल कर दिया। अब घबरा गए, ये तो हम सोच के कुछ आए थे, यहाँ कुछ हो गया। हमने तो ये सोचा था कि अगर जवाब ना दे पाए तो भी हमारी कामयाबी, और अगर जवाब दिया तो इतना टाइम लग जाएगा कि अव्वले वक्त निकल जाएगा, वो भी हमारी कामयाबी। ये नादान थे, चले गए। कहा देखिए अब तलाश करना पड़ेगा साहब, मौला ने ये क्या बात कही है। चले गए। उस जमाने में ये हवाई जहाज और ये आलात तो थे नहीं जो घंटों का सफर मिनटों में और दिनों का सफर घंटों में तय हो जाए। चले गए, पूरे साल गर्दिश में रहे, यानी जो किस्मत के धक्के थे वो पूरे साल खाते रहे। अब वापस पलट कर आए एक साल के बाद, दस्ते अदब जोड़ा। ऐ जमाने के इमाम, ऐ कायनात के मौला, जो आपने कहा था वही देखा। पूरे मुल्कों में टहले, हर जगह का सिस्टम देखा, परिंदों का, जानवरों का, जो आपने कहा था मौला, जर्रा बराबर फर्क नहीं निकला उसमें, बिल्कुल भी आए नहीं। मौला ने कहा अच्छा तो आप दूसरी बात सुन, दूसरा सुन इसी का जवाब, कि जो परिंदे दाने को निगलते हैं वो अंडे देते हैं, जो चबाते हैं वो बच्चे देते हैं। सलावत भेज दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब फिर चले गए, फिर चले गए, फिर एक साल तक तलाश करते रहे, एक साल तक फिर तलाश करते रहे। क्या जो बोल मौला ने ये क्या कह दिया कि जो दाने को निगलते हैं और जो चबाते हैं, ये क्या कहा मौला ने। अब फिर चले गए, साल भर तक फिर घूमे, आए मौला के आस्थाने पर। जाहिर सी बात है, ये तो आज का भी मुशाहिदा है, जब सब जगह टक्कर खाता है तो इसी दर पर सर झुकाता है। आए फिर एक साल के बाद, कहा मौला अरे आपने तो कमाल कर दिया, ए जमाने के इमाम आपने कमाल कर दिया, जो आपने बताया था दूसरा सवाल भी जवाब वैसा ही निकला मौला। कहा अच्छा तो आप तीसरा सवाल सुन। कहा मौला तीसरा, एक सवाल का तीसरा जवाब, हाँ सुन तीसरा जवाब। कहा मौला ने फरमाया सुन, जो दूध पिलाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो दाना भराते हैं वो अंडे देते हैं। चला गया, चला गया। फिर देखा तीसरे साल घूमता रहा, और तीसरे साल जब पूरा हुआ मौला की खिदमत में हाजिर हुआ, और हाजिर होने के बाद कहा मौला अरे जैसा आपने बयान किया था वैसा ही निकला। मेरे मौला ने फरमाया अब आगे का सवाल सुन, अगर तू पूरी जिंदगी इसी सवाल का जवाब मांगता रहेगा तो तुझे हर मर्तबा अली नया सवाल का जवाब देता रहेगा। सलावत भेज दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। हर मर्तबा अली तुझे नया जवाब देगा। यह है कायनात के इमाम, इन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल की हैं, इनके ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमतों को नाजिल किया है, कायनात को इनके इख्तियार में दिया है। अच्छा अच्छा मौला, और आप कसावत का मसला देखें तो वो भी ऐसा ही नजर आता है। एक मदीने से चलने वाला कूफे आ रहा है, तीन शख्स साथ में है, आका है, गुलाम है, बेटा है। तीनों चले मदीने से निकले, गुलाम आका और बेटा ऊंट के ऊपर सवार है, कादिम गुलाम म्यार पकड़े हुए आगे आगे चल रहा है। जाहिर सी बात है तूलानी सफर है, मदीना कहाँ और कूफा कहाँ, चले आ रहे हैं। आका ने हुक्म दिया गुलाम को कि सफर लंबा हो गया है, लिहाजा अब कहीं ऐसी जगह जहां पर थोड़ा साया हो वहां पर रोकना और आराम किया जाएगा। हुक्म था आका का, देखा कि खजूर का दरख्त खड़ा हुआ है, उसके नीचे रोक लिया गया आराम के लिए। तीनों बैठ गए, खाना खाया, और खाने के बाद आका आराम करने लगा। जो मालिक था वो आराम करने लगा, बेटा भी लेट गया, गुलाम भी लेट गया। लेकिन क्या हुआ, उस झाड़ी से एक सांप निकला और उसने उसको मालिक को डस लिया, आका को जो था उसको डस लिया।
वो वहीं मर गया। देखिए ये वो है जो कायनात जिनके कब्जे में है, ये वो है कि जिनके ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमतों को तमाम किया है, जहन में रखिएगा, और फिर उसके बाद आपको लुत्फ आ जाएगा। ये मौला का जिक्र है ना। लेट गया, जब लेटा तो सांप निकला, उसने उसको डस लिया, डस लिया, मर गया। अब यहां से इसको जो कुछ करना था इन्होंने किया, और अब ये गुलाम और बेटा चला कूफे के लिए, कूफे के लिए चला। तो अब इसके जहन में एक फुतूर पैदा हुआ कि क्यों ना इस बच्चे के हाथ में इस नाके की मियार दे दी जाए और मैं खुद क्यों ना सवार हो जाऊं इसके ऊपर। इधर तो उस बच्चे को बाप का गम, और इधर ये सदमा कि इस गुलाम ने उसको आगे कर दिया, खुद ऊपर सवार हो गया। लेकिन इसको मालूम था, इसका बाप जिक्र करता रहता था कि कूफे के अंदर नबी का जानशीन मौजूद है, लिहाजा इसके जहन में वो बात मौजूद थी, कहा जब वहां पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह फैसला जरूर होगा। चला, उदास है, चेहरे पर उदासी छाई हुई है, लेकिन चलता चला जा रहा है। अब किसी सूरत से जब कूफे पहुंचा तो इसने रास्ता इख्तियार किया और मौला की खिदमत में पहुंच गया। जब ये पहुंच गया तो पीछे से ये भी पहुंच गया, कहा मौला मैं आका हूं, ये गुलाम है, ये इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा जुल्म किया है। वो कहता है मौला मैं आका हूं, ये गुलाम है। कहा अच्छा, अभी फैसला होता है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, दूध एक तरफ हो जाएगा, पानी एक तरफ हो जाएगा। मौला ने आवाज दी, कंबर एक पर्दा लाओ। पर्दा लाया गया, कहा कि इसमें दो सुराख बनाओ। दो सुराख बनाए गए, कहा कि दोनों अपनी अपनी गर्दनों को इन सुराखों के अंदर लगा लो। दोनों ने अपनी गर्दनें, उस आका ने भी, उस गुलाम ने भी, दोनों ने अपनी गर्दनें लगा ली। अब मौला ने हुक्म दिया, कंबर जरा तलवार उठाओ, और तलवार उठाकर गुलाम की गर्दन को तन से जुदा कर दो। बस जैसे ही कहा, उस गुलाम ने अपनी गर्दन को खींचा, मौला मैं ही गुलाम हूं, यह आपको कैसे पता चला कि तू नहीं जानता है, हम कायनात के इमाम हैं, सलावात भेज दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। मौला का करम देखिए, मौला वहां नहीं थे, लेकिन यह है इजाज़े इमामत, ये है वो जिनके ऊपर अल्लाह ने अपनी नेमतों को तमाम किया है, ये वो हैं। और अज़ियाने गिरामी, खालिक की तो बात ही है, खालिक कायनात, रहमान और रहीम, करम बेशुमार। और आप देखिए किस मियार का, जनाबे मूसा और फिरौन, मूसा अपने साथियों को लेके चले, बस सिर्फ अल्लाह से राबता जुड़ जाए फिर वो कर्म करने में। मूसा लेके चले, नील के साहिल पे पहुंचे, जब पहुंचे तो ठाटे मारता हुआ दरिया, ठाटे मार रहा है, तो हद नजर पानी ही पानी। ये साथी मूसा, बड़ा गलती की हमने, तुम्हारा साथ दिया मूसा, बहुत बड़ी गलती की हमने, भूल हो गई हमसे, तुम्हारा साथ दिया हम, इससे तो साथ ना देते तो अच्छा था, कम से कम जाने तो बची रहती। देखिए साथी ऐसे ही होते हैं, जो साथी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। आवाज परवरदिगार आई, मूसा घबराते क्यों हो, ये जो हाथ में लिए हुए हो इसको मारो पानी पर। मूसा ने अपने डंडे को मारा, जो मारा तो रास्ता तैयार हो गया, खुश हो गए, कहा चलो, गए वापस, लौट आए, वापस आ गए। कहा क्यों वापस आए, अरे रास्ता तो बन गया, अब क्यों वापस आ गए। कहा नहीं, 12 कबीले हैं, एक दो कोई है मूसा, अभी एक में सब कैसे चले जाएंगे, 12 रास्ते चाहिए हमें। मूसा ने कहा कोई बात नहीं है, जो एक बना सकता है वो 12 भी बना सकता है, सलावात भेज दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। वो 12 भी बना सकता है, जिसने एक बनाया मूसा ने 12 हंसे लगाए और 12 रास्ते बना दिए। अंदर कहा मूसा ने, चलो अब जाओ, अंदर दाखिल हुए, फिर वापस आ गए, नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, हमें ऐसा चाहिए जो हम गुजरते हुए एक दूसरे को देखते भी रहें। गुस्ताखी की इंतहा हो गई, कहते हैं कि मूसा बड़े गजबनाक थे,
मूसा से ज्यादा नरम दिली नहीं था। मूसा ने कहा यह भी हो जाएगा। अब मूसा ने उस पानी की चादर को इतना शफाफ किया कि ये बढ़ते भी रहे, एक दूसरे को देखते भी रहे। अच्छा, जब ये गुजर रहे थे दोनों, पूरा काफिला, इधर मूसा खड़े थे, इधर हारून खड़े थे, और ये सब गुजर रहे थे, दिल ने चाहा कि अल्लाह को आवाज दी जाए, अरे इलाह इनको यहीं खत्म कर दे, इसलिए कि सामने जैसा भी तो है ना इसमें जो कल बहकाएगा। आवाज आई परवरदिगार, आवाज परवरदिगार आई कि डुबो तो देता, लेकिन दो इस्मतों के दरमियान ये काफिला जा रहा है। बजाने गिरामी, इस जुमले को पढ़ के बड़ा दिल मुतमईन हुआ कि जहां दो इस्मतों के दरमियान ये गुनेगार गुजर रहे हो, तो जहां 12 और 14 इस्मतें हो, सलावात भेज दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये वो है जिन्हें नेमत है जिन पर अल्लाह ने तमाम। काफिला चला, अब ये गुजर गए। जब ये गुजर गए तो अब फिरौन आया, और फिरौन आने के बाद साइल पे खड़ा हुआ और अकड़ कर, अच्छा मेरा बनाया रास्ता मूसा गुजर गए मेरे बनाए रास्ते पर, अजब नहीं मशियत मचल रही हो कि आप बताएंगे तेरा बनाया हुआ है या हमारा बनाया हुआ है। अंदर दाखिल हुआ, जैसे ही पानी में दाखिल हुआ चारों तरफ से पानी मिला, अब आवाज दे रहा है। देखिए अल्लाह कितना बड़ा करीम है, जहन में रखिए, अब आवाज दे रहा मूसा, अरे मूसा बचाओ। मूसा ने नहीं सुनी, आवाज परवरदिगार आई, मूसा अरे तुम्हें फिरौन आवाज दे रहा था और तुम्हें सुनी नहीं। हाँ मालिक, बहुत मर्तबा बचा चुका था, बहुत मर्तबा मदद की थी, नहीं सुनी। बस अजीजाने गिरामी, उसी वक्त आवाज परवरदिगार आई, ऐ मूसा अरे तुम्हें इसने इतनी मर्तबा पुकारा और तुमने एक बार ना सुनी। अगर ये मुझे अपने रब की, मुझे जलालत की कसम है, अगर ये मुझे अब भी एक बार आवाज देता तो मैं इसको बचाता हुआ नजर आता। ये है कमाल इलाही, यानी इतना गुस्ताख इंसान कि जिसकी गुस्ताखी की इंतहा है, उसके लिए अल्लाह कह रहा है कि मैं अब भी इसको बचाता। बस हजार गिरानी, ये चीख रहा था पानी में, तो इसने देखा कि एक शख्स पानी के ऊपर घोड़ा दौड़ाता हुआ चला आ रहा है साई पानी के ऊपर। ये खुश हो गया कि शायद ये मुझे बचाने के लिए आ रहा है, ये मुझे बचाने के लिए आ रहा है, क्योंकि कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। ये खुश हो गया कि ये मुझे बचाने के लिए आ रहा है। अब जब वो नज़दीक पहुँचा तो उसने जेब से कागज निकाला, और निकालने के बाद फिरौन की तरफ को किया कि जरा इसको पढ़ो क्या लिखा है। कहा उस पर लिखा था कि जो आका से गुलाम बगावत करे उसको गर्के दरियाए नील कर देना चाहिए, यानी उसको नील में डुबो देना चाहिए। बस अज़ान इकराम, जब इसने ये पढ़ा उस सवार ने कहा फिरौन अभी तो ये तेरा लिखा हुआ, अभी तो ये तेरा लिखा हुआ फैसला है, अभी तो उस खालिक की सजा बाकी है, सलावत भेज दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अभी तो ये वो फैसला है जो तूने दिया था, अभी अल्लाह वाला फैसला नहीं है, वो सजा तो अभी बाकी है। ये तो तूने जो सजा दी थी वो है, सजा मिल गई। इज़राइल, देखिए अल्लाह अपने बंदों पर इतना मेहरबान है कि इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता उसकी मेहरबानी का, उसके करम का। सुबह से शाम तक कितनी गुस्ताखी इंसान करता है, कितनी सरकशी करता है, लेकिन उसके बावजूद सजा सजा नहीं, और उसको दोपहर हुआ खाना मिल गया, सुबह उठा तो नाश्ता मिल गया, रात हुई तो खाना मिल गया। ये किसको मिल रहा है जो गुस्ताखी पे गुस्ताखी करता चला जा रहा है, ये उसके लिए है। और अगर कोई अल्लाह का हो जाए तो फिर कुरान कहता अनमत अलैहिम, हमने उस पर नेमतें नाजिल कर दी हैं। बस जब नेमतें नाजिल करता है तो पूरी कायनात को इसके इख्तियार में दे देता है। अब वो चाहे तो दीवार को सोने का बना दे, चाहे तो किसी को फिजा बना दे, सलावात भेज दे बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। Oh,
जब उसका हो जाता है तो फिर वो उससे मुतमस्सिक हो गया, तो कोई सलमान बन गया, कोई अबू ज़र बन गया, कोई खंबर बन गया, कोई मिकदाद बन गया। ये सब क्या है? ये दर अहले बैत से मुतमस्सिकी तो हुए हैं ना सब के सब, अज़ीज़ान गिरामी। और इनका मर्तबा कौन पहचान सकता है? अहले बैत की तो बहुत बुलंद मर्तबा मंजिल, माँ तो तसव्वुर नहीं पहुँच सकता। जो ये कादिम है सलमान अबू ज़र मिकदाद, इनके मर्तबे को नहीं पहुँच सकता इंसान। मैं आपको मिसाल दूँ, ये वाकया अल्लामा मोहम्मद तकी तबरेजी ने लिखा सहीफ़तुल अबरार में, मुमकिन है किसी ने उसको देखा भी हो। अल्लामा मोहम्मद तकी तबरेजी सहीफ़तुल अबरार में इसको लिखते हैं कि एक मर्तबा जिब्राइल अमीन ने अल्लाह से कहा, मालिक मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ, मैं तेरी जन्नत देखना चाहता हूँ, मुझे जन्नत दिखा दे। कहा अल्लाह ने, मालूम किया जिब्राइल तुम्हारे परों में कितनी ताकत है? का मालिक ताकत इतनी है कि जब जनाबे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में डाला था तो मैं उस वक्त सिदरतुल मुंतहा पर बैठा हुआ इबादत कर रहा था, मुझे हुक्म मिला था कि यूसुफ पानी तक पहुंचने ना पाए, इनको ऊपर उठा लेना, तो मैं वहां से चला था और मैंने यूसुफ को वहां तक नहीं पहुंचने दिया था, ऊपर उठा लिया था। अब तो खुद जानता है। अच्छा जाओ जिब्राइल, हमने तुम्हें 30,000 पर अता किए, इस और कुव्वत में 30,000 परों का इजाफा किया, जाओ जन्नत का मुलाहिजा करो, जन्नत को देखो। जिब्राइल कहते हैं कि मैं चला, और मैं चला तो चलता रहा यहां तक कि मैं थक के बैठ गया, थक गया मैं, और जन्नत का कुछ पता नहीं चला कि जन्नत कहां से शुरू है कहां पे खत्म, थक गया मैं। मैंने फिर दुआ की अल्लाह से, मालिक जब तूने इजाजत दी है तो अब इस मसले को पूरा करा दे। कहा कि दोबारा मुझे हो, कहा आवाज आई कि हमने तुम्हें 60,000 पर दी, 30,000 और इजाफा किया, हमने 60,000 कर दिए, जाओ तुम जन्नत को देखो। कहा कि मैं फिर चला, और मैं जब चला तो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, और यहां तक कि मैं फिर थक के बैठ गया और जन्नत का किनारा हाथ नहीं आया। कहा मैंने फिर दुआ की अल्लाह से, बारे इलाहा मुझे फिर एक मरतबा और मौका अता कर दे, मालिक तो करीम है, एक मरतबा और मौका अता कर दे। आवाज़ परवरदिगार आई, जाओ हमने तुम्हें 60 की जगह 120,000 पर अता किए, 1,20,000 अता किए, जाओ जिब्राइल देखो, जाओ देखो हमारे करम को पहचानो। अब कहते जिब्राइल कहते कि मैं चला, जब मैं चला, चलता रहा चलता रहा, तो मैंने दौरान परवास एक महल देखा। उस महल को देखा तो मुझे यह अंदाजा हुआ कि यहां से अब आबादी शुरू हो गई, यहां से अब आबादी शुरू हो गई, अब मसला हल हो जाएगा। कहा जब मैंने देख लिया महल, खुश हो गया, तो अब मैं आगे बढ़ता रहा। जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि उस महल के दरवाजे पर एक हूर खड़ी है, और उस ऊर ने मुझे देखने के बाद तबस्सुम किया, मुस्कुराई। जब मुस्कुराई तो रोशनी हुई, जब रोशनी हुई तो मैंने उसको और नजदीक से देखा, और मैं वहां जाके रुक गया। जब मैं रुका तो उस ऊर ने मालूम किया, जिब्राइल क्या करने आए हो? तवज्जो मेरी तरफ, जिब्राइल क्या करने आए हो? कहा मैं जन्नत देखने आया हूं। कहा अच्छा, जन्नत देखने आए हो तो सुनो, सुनो, जन्नत देखने आए हो तो सुनो। कहा कि जब से तुम चले हो और यहां तक सलमान की आधी जायदाद खत्म हुई है, आधी अभी और बाकी है, सलावात भेज दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये है करम अहले बैत का, यानी 1,20,000 पर और मुसलसल परवाज, और उसके बाद यह कहा गया कि जब आप चले हो जहां से और यहां तक आधी जायदाद खत्म हुई है सलमान की, आधी अभी और बाकी है, तो जिसके गुलामों का यह कमाल हो उसके आखा का अंदाजा कौन लगा सकता है? सलावात भेज दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद।
तो अजीजान गिरामी अहले बैत के कमाल का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और कैसे लगाए, कैसे लगा सकता है? जो 24 घंटे मौला के साथ में हो वो नहीं जब लगा सका। एक मामू एक रिवायत मुख्तसर करके बयान कर दूं ताकि अंदाजा हो जाए। फिजा अहले बैत के अंदर घर में रहती हैं, कमर बाहर रहते हैं। एक मर्तबा कमर गए, दखुल बाप किया, आवाज आई, कौन? कहा मैं कमर। फिजा ने मालूम किया, कौन? कहा मैं कमर हूं। मौला कहाँ है? कहा मौला तो चौथे आसमान पर फरिश्तों को रोटियां तकसीम कर रहे हैं। कमर ने जाहिर सी बात है गुलामे पंजतन है ना, सोच लिया कि मौला तकसीम करने गए हैं रोटियां, आ गया। अब जो देखा दरे मस्जिद पर तो मौलाए कायनात फकीरों को रोटियां तकसीम कर रहे हैं, गुस्से में आ गए। अच्छा, फिजा ने मुझसे कहा था चौथे आसमान पर, तो मौला तो ये खड़े हैं, आज शिकायत करेंगे मौला से। जब मौला फारिग हुए तो कंबर ने मौला का दामन थाम लिया, मौला गुस्ताखी की माजरत। अब फिजा भी जमीन पर रह के आसमान की बातें कर रही है, क्या क्या हुआ कंबर? का मौला अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। क्या क्या हुआ बताओ तो सही। का मौला जमीन पर रहकर आसमान की बातें, का कंबर बताते क्यों नहीं हो? का मौला मैं अभी गया था आपकी जियारत के लिए बैतुशरफ पर, तो मैंने दखुल बाब किया, फिजा आई, मैंने मालूम किया मेरा मौला कहाँ है। कहा वो तो चौथे आसमान पर फरिश्तों को रोटियां तकसीम कर रहे हैं मौला, और आप यहाँ दरे मस्जिद पर। कहा एक मर्तबा मेरे मौला ने निगाहों में निगाहें डाली, और डालने के बाद कहा खंबर का तुझे शक है, दुरूद भेजने पर मोहम्मद और आले मोहम्मद, क्या तुझे कोई शक है? कहा नहीं मौला, शक का क्या मतलब? एक मर्तबा मेरे मौला ने चेहरे के ऊपर एजाज इमामत का हाथ फेरा, और हाथ फेरने के बाद कहा कंबर जरा आसमान की तरफ को देख। अब जो देखा तो क्या देखा, मेरा मौला पहले आसमान पर भी है, दूसरे आसमान पर भी है, तीसरे आसमान पर भी है, चौथे आसमान पर भी है, पांचवें आसमान पर भी, छठे आसमान पर भी, यहाँ तक के सातवें आसमान। मौला आप तो हर जगह नजर आ रहे हैं। कहा कंबर ये तो तेरे अंदर कमी थी, अली के अंदर कोई कमी नहीं थी, सलावात भेज दें बर मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये है अली जो हर जगह नजर आते हैं, हर जगह नजर आते हैं। और जब इनका करम होता है तो फिर भटका हुआ इंसान भी सीधे रास्ते पर आ जाता है। और जाने गिरामी मेरा दिल चाहता है कि मैं आज इस मजलिस में, इस इबादत में उस शहीद का जिक्र करूं कि जो हुसैन इब्ने अली को के साथ तो नहीं था, घेर के करबला में लाया था और फिर हुसैन के साथ हो गया। जब ज़मीर जागता है तो इंसान का ऐसे ही होता है। कौन? हुर, हुर। साथ ही मुहर्रम आई, लश्कर पे लश्कर आ रहा है, करबला के मैदान लश्कर पे लश्कर आ रहा है। और जब लश्कर आता है तो वो आने के बाद अपने घोड़ों को दौड़ाते हैं इधर से उधर, उधर से इधर, और बच्चे सहम के अपनी माओ की गोदियों में लिपट जाते हैं। आठवीं मुहर्रम आई, नबी का दिन आया, अब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जंग अब हुई, अब हुई, अब हुई, अब हुई। इसी अस्ना में मेरे मौला ने अपने भाई अब्बास को भेजा, जाओ इनसे कहो कि आज जंग रोके रखे, आज की शब जंग रोके रखे। क्यों? इसलिए कि मेरा अल्लाह जानता है, ए हुसैन के जाने वालों, इबादत से कभी गाफिल ना हो जाना, नमाज से कभी गाफिल ना हो जाना, तिलावत कलाम इलाही से कभी गाफिल ना हो जाना। ये मेरे मौला ने करबला के मैदान में ऐलान कर दिया यजीदी फौज से, जाओ बास इनसे कहो कि आज की शब जंग रोके रखे, इसलिए कि मैं, मेरा खुदा जानता है कि मैं नमाज को और तिलावत कलाम इलाही को कितना दोस्त रखता हूँ। अल्लाह अकबर। अज़ान गिरामी हकीम का मसला था, हकीम खुद हिकमत जानता है। जंग रुक गई, लोग कहते हैं और हमारे साखरीन भी पढ़ते हैं
कि इमाम ने एक दिन की एक शब की मोहलत ली, लेकिन मैं कहता हूं शब मोहलत नहीं ली मौला ने, मोहलत दी ताकि जालिमो अब भी समझ जाओ, अब भी सोच लो सवेरा है। और यह हुसैन की दी हुई मोहलत रायगा नहीं गई, शब में दस्तरखान लगाया, गुलाम आका के पास आया, आका दस्तरखान हाजिर है, जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया। फिर सवाल तकरार किया, आका दस्तरखान हाजिर है, कोई जवाब नहीं आया। फिर तकरार हुआ, आका दस्तरखान हाजिर है, फिर कोई जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं ग्राम, जब तकरार हुआ सवाल, तो एक मर्तबा हुर बढ़े खड़े हुए और उस गुलाम के हाथ को थामा, और थामने के बाद कयाम हुसैनी की तस्दीक पहुंचे और उससे कहा, जरा गौर से सुन, क्या कुछ आवाजें आ रही हैं? कहा हाँ मौला। कहा हाँ मेरे आका, आवाजें तो आ रही हैं। कहा क्या आवाजें हैं? कहा कोई सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, कोई दूसरी इबादत मसरूफ है, कोई तिलावत कलामी ही कर रहा है। कहा और उस तरफ क्या हो रहा है? कहा मौला आका उधर तो बदकारियों में लोग लगे हुए हैं। और जाने गिरामी, जब ये कहा होगा हुर के गुलाम ने कि इधर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहा पढ़ी जा रही हो, यकीनन एक जुमला और कहा होगा, आका और इधर तो कुछ बच्चे हैं जो अलाताश अलाताश की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अब गुलाम कहता आका फिर क्या सोचा? कहा सुबह ठहर जा, जरा सुबह होने दे। बच्चे से ही सुबह नमुदार हुई, अरे हुर घोड़ा दौड़ाते हुए मेरे साथ के पास आए और आने के बाद कहा बिसरे साथ, क्या वाकियन जंग होगी? कहा हाँ हुर जंग होगी। अच्छा अगर जंग होगी तो अब हम जा रहे हैं। कहा किधर? के फातिमा के लाल की खिदमत में हम जा रहे हैं, फातिमा की लाल की खिदमत में। अजान गिरामी हुर ने ऐलान कर दिया कि जब हुसैन की मोहब्बत दिल में आ जाए तो जान चुरा कर नहीं जाया जाता, दिन के उजाले में जाया जाता है। हुर चले, जब हुर चले है ना, तो आगे चलने के बाद भाई से मुलाकात हुई, भैया किधर जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूँ फातिमा के लाल की तरफ। कहा हम भी चलेंगे? कहा नहीं। क्या खूब, अरे जब तक यजीद के साथ रहे हमें अपने साथ रखा, और जब फातिमा के लाल के साथ जा रहे हैं तो हमें आज़ाद करने ही, हम भी चलेंगे। भाई को लिया, आगे बढ़े, आगे जब बढ़े तो बेटा मिला। बाबा किधर जा रहे हैं? कहा मैं जा रहा हूँ नबी के दिलबंद हुसैन की तरह। कहा हम भी चलेंगे। अरे आगे बढ़े, गुलाम से कहा मैंने तुझे आज़ाद किया। अरे क्या खूब, अरे जब तक दो जख्म रहे मुझे साथ रखा और अब जन्नत में जा रहे हैं मुझे आज़ाद, हम भी चलेंगे। छोटा सा काफिला बनाए हुए हुर बढ़ रहे हैं। बस हुर ने कहा, एक मर्तबा हुर ने कहा, ऐ मेरे लाल जरा मेरे आगे को आ और आने के बाद मेरे हाथों को बांध दे और मेरे आंखों पे पट्टी बांध दे ताकि मालूम हो जाए अरे गुलाम आ रहा है, अरे मुजरिम आ रहा है। इसलिए मेरे लाल, अरे मैं ही तो हुसैन को घेरते यहां तक लाया हूं। एक मर्तबा अरे बेटे ने हाथों को बांधा, आंखों से पट्टी को बांधा, अब लिए हुए बेटा आगे बढ़ रहा है, बेटा लिए लिए आगे बढ़ रहा है। जब नजदीक हुए, एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन ने देखा, अरे अब्बास अरे आगे बढ़ो, मेरा मेहमान आ रहा है। अब्बास आगे बढ़े, हुसैन ने कहा अली अकबर अरे आगे बढ़ो, इस्तकबाल करो, मेरा मेहमान आ रहा है। ओनो मोहम्मद कासिम अरे सब आगे बढ़ो, अरे मेहमान का इस्तकबाल करो। अजब नहीं, अरे बेटे ने कहा बाबा अरे हुसैन इब्ने अली अपनी मसलत से खड़े हो गए। एक मर्तबा हुर ने अपने आप को गिराया, ग्वालियों के बल आगे बढ़ा, अरे हुसैन के पैरों को थामा, मौला अरे फातिमा के लाल अरे क्या मेरी खता माफ हो सकती है? जाने गिरामी मुझे नहीं मालूम मेरे मौला के दिल पे उस वक्त क्या गुजरी होगी, लेकिन तारीख के जुमले है, हुसैन ने शालों को थामा, सीने से लगाया, आवाज दी, अरे हुर तुम तो मेरा मेहमान है, आ हुरा फातिमा की बेटे की आगोश में आ जा। हुराए आंखों से पट्टी खोली, इमाम ने एक जुमला कहा, अरे हुर ऐसे वक्त पर आए हो जो जियाफत के लिए अरे थोड़ा सा पानी भी नहीं है,
अल्लाहु अकबर। उड़ने उड़ने कहा मौला, अरे ये सबसे बाद में आया हूँ, सबसे पहले जाना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ शायद, अरे हुर ये सोच रहे हो कि कहीं कोई कयाम हुसैनी से निकलने के बाद कोई बच्चा ये ना कह दे अरे अम्मा वो आ गया, अरे जिसने हमारा रास्ता रोका था, अरे हुर को इजाजत मिली, हुर मैदान में पहुंचे, मैदान में जाना चाहते वापस आए, कहा नहीं मैं नहीं, बेटे तू जा ताकि मुझे भी तो पता चले बेटे का दाग कैसा होता है। हुर का बेटा मैदान में गया, खूब लड़ा, अरे जब जीन से जमीन पर आया, अरे अपने बाप को आवाज दी, हुसैन हुसैन का ये जानिसार जीन से जमीन पर आ चुका है। अरे आप जानते हैं कि बाप को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है, हुसैन से पहले हुसैन जाना चाहते हैं, यहूर जाना चाहते हैं, लेकिन जब हुर पहुंचे है ना घोड़े पे सवार होके तो क्या देखा, अरे हुसैन इब्ने अली बेटे के सराहाने बैठे हुए, हुर ने हाथों को जोड़ा, मौला अरे आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ ले आए मौला, मैं कहूंगा हुर अरे शर्ते वफा ये नहीं, शर्ते वफा ये है कि उस वक्त आना जब इस बूढ़े बाप के हाथों पर कभी 18 बरस की कमाई कभी 6 माह का जनाजा हो। अला लानतुल्लाह अला हमारी सी मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक जो परेशान हाल हैं और मौला की बारगाह में आए हैं, मेरे मालिक उस ज़माने के इमाम का वास्ता, उनकी तमाम नेक दीनी दुनियावी हाजात को पूरा फरमा, बीमारों को शफा अता फरमा। मेरे मालिक जो मोमिनीन हज व ज़ियारात के मुश्ताक है उनको हज व ज़ियारात से मुशर्रफ़ फरमा, जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो बीमार है उन्हें शफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा। मेरे मालिक जो परदेश में खैरियत से वतन पहुँचा, इस्लाम को बुलंदी अता फरमा, नायब इमाम आगा सिस्तानी और आगा सैयद अली खामनेई की हिफाजत फरमा, इस्लाम दुश्मन ताकत और नेस्तनाबूद कर दे, इमाम ज़माने के ज़हूर में ताजील फरमा, हम सबको उनके आवानुसार।